स्विच इंटरफेसिंग के इस सिमुलेशन को हम यहाँ पर एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पर रन किया है और इसी कोड को मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। हमने यहाँ पर बस एक स्विच को इंटरफेस किया है। देखिए मैं यहाँ पे जिसकी स्विच को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जो है आपको जो है वन नजर आएगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर वन यहाँ पर आने लग गया है और जैसे ही मैं इसे दबाऊंगा तो वापस यहाँ पर जीरो प्रिंट होगा। और ये जो है इसका कुछ कोड है, यहाँ पर हमने 7 नंबर को एज ए इनपुट लिया था। तो ये वाला वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आप इसे देख लीजिएगा कि इसमें हमने क्या किया है। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक और देखते हैं ताकि इसके आगे का वीडियो बनाने में हमें और अच्छे से समझ में आए। मैं इसे स्टॉप करता हूँ और स्विच इंटरफेसिंग का वीडियो मतलब उसको सही करने के लिए हम यहाँ पर जो है वो एक और चीज करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से एक नया सर्किट लेता हूँ और हम यहाँ से एक ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं। मैंने यहाँ से एक ब्रेडबोर्ड ले लिया है। लास्ट वाली वीडियो में हमने स्विच इंटरफेस किया था और तब हमने क्या किया था कि ऑर्डिनो के साथ में डायरेक्टली ये स्विच इंटरफेस करके एलईडी को ऑन ऑफ किया था। देखिए यहाँ पर मैं ये एलईडी ले लेता हूँ यहाँ पर और ये एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। मैं इसे अभी यहाँ पर ऐसे और सप्लाई के लिए जो है देखिए मैं अभी यहाँ से 9 वोल्ट ले लेता हूँ, 9 वोल्ट ले लेता हूँ। टाइप के स्विच को हम बोलते हैं स्लाइडर स्विच, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसा इस पोजीशन पे और फिर ये यहाँ जाकर स्टक हो जाएगा। जबकि ये जो स्विच है यहाँ पर स्विच को हम बोलते हैं एक टाइल स्विचेस। तो देखिए मैं इसको एक बार स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं प्रेस करूंगा देखिए ये से है ना, यहाँ पर क्योंकि स्लाइड तो कर नहीं सकते तो ये ऐसा दिखेगा। देखिए पुश वाले स्विच के अंदर ये थोड़ा सा आपको मूवमेंट यहाँ से दिखेगा। इस स्विच को हम एक बार इसकी हम उसको हम ऑन ऑफ करने देखते हैं। तो करेक्ट वर्किंग के लिए हम क्या करें, यहाँ पर एक 7805 IC ले लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ से एक 7805 IC और मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ कुछ ऐसे। और ये जो 12 वोल्ट यहाँ से हमें आ रहा है इसे हम क्या करते हैं, इसे हम यहाँ पर जो है इस AC के आउटपुट पर दे देते हैं यहाँ पर। और इस वाले वायर को हम कर देते हैं रेड, यहाँ पे कर दिया है रेड ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है। और ये जो ग्राउंड का सिग्नल आ रहा है तो इसे देखिए मैं यहाँ से पास से थोड़ा सा यहाँ से ले जाता हूँ और इसको आप एक बार और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ से देखिए मेंटेन हो। यहाँ क्लिक कर देते हैं और अगर आपको बीच में यहाँ पर बेंड करना हो तो आप एक बार क्लिक कर सकते हो तो ये बेंड हो जाएगा। बाद में मैं ये तो स्विच है इसकी पोजीशन अभी यहाँ कर देता हूँ और ये जो ग्राउंड वाला वायर है इसको हम कर देते हैं ब्लैक। तो यहाँ पर तो 9 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ से मल्टीमीटर ले लेते हैं और मल्टीमीटर लेकर चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज हमें कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। मैं इसे यहाँ प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पर ये वोल्टेज का साइन है तो मैं ये जो रेड है यहाँ से लाकर मैं यहाँ पर कर देता हूँ और इसका कलर रेड कर देता हूँ। ये जो ब्लैक है इसे हमें हमेशा आप जो है ब्लैक मतलब ग्राउंड को ब्लैक कलर दें ताकि सर्किट जो है वो देखने से ही समझ में आ जाए। यहाँ पर ये पूरी जो हॉरिजेंटल लाइन है ये ग्राउंड है। और देखिए हम इसको ऑन करते हैं तो अभी हमें यहाँ पर कुछ 9 वोल्ट मिल रहा है और 7805 से हमें कितना वोल्ट मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लगभग 5। तो ये ग्राउंड जो है हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे लाकर और देखिए ये यहाँ पर ऐसा सेंटर पे आप आकर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से ये ग्राउंड हमने कॉमन कर दिया एक और मल्टीमीटर का। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ये जो मल्टीमीटर का आउटपुट 7805 के आउटपुट पे हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ तो हम स्विच का बहुत ही बेसिक देखने वाले हैं। बेसिक यहाँ पर इसमें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैंने जो है बहुत बार कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रह ही जाते हैं और नो डाउट क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे जब तक कि हम वो करके नहीं देख लेते हैं। तो
देखिए अभी 9 वोल्ट यहाँ पर हमें इस बैटरी से मिल रहा था, और 5 वोल्ट हमने ये 7805 IC से लिया है, और इसे हम यहाँ पर सिमुलेट करके देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि है ना, यहाँ पे 9 वोल्ट 7805 के इनपुट पर दिया और 5 वोल्ट हमें यहाँ आउटपुट में मिल गया है। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पर क्यों किया है? ऐसा हमने यहाँ पर इसलिए किया है, ये जो स्विच है इसको हम 5 वोल्ट और ग्राउंड से ही चलाएं, हमारा सिर्फ सिंपल सा यही इसके अंदर मकसद है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से जो है मैं फिर से ये ग्राउंड जो है पहले नीचे कॉमन कर देता हूँ। देखिए यहाँ से एक ग्राउंड कॉमन करने से पहले मैं वायर ब्लैक कर लेता हूँ, फिर से ग्राउंड में यहाँ पर कॉमन कर देता हूँ। ये ग्राउंड मैंने यहाँ पे कॉमन किया, और अभी ये जो 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा था इसे मैं नीचे दे देता हूँ, तो यहाँ पे ताकि जो है हमें नीचे सप्लाई मिल पाए, मैं नीचे जो है यहाँ पर इसे कनेक्ट, और मैंने यहाँ इसे कनेक्ट कर दिया, और हम चाहे तो इस वाले वायर को जहाँ पर हमें 5 वोल्ट आ रहा है वहाँ पर हम इसको कोई और कलर भी दे सकते हैं, तो मैंने इसे ऑरेंज कर दिया। तो हमें यहाँ पर तो 9 वोल्ट आ रहा है, यहाँ 5 मिल जाएगा इस वाली रो पर, और ये ग्राउंड मिल जाएगा। अब देखिए स्विच की जो बेसिक हम बात कर रहे थे कि स्विच के अंदर हम बेसिक क्या कर सकते हैं, तो नॉर्मल ये स्विच है। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से मैं इसे नीचे रख लेता हूँ, ऑफ करता हूँ, इसे लेता हूँ, मैंने यहाँ पे रखा, और आप मैं इसे यहाँ से ग्राउंड दे देता हूँ, तो ग्राउंड का कलर मैं हमेशा ब्लैक ही रखता हूँ। तो ये ग्राउंड जो है अगर मैं एलईडी को देता हूँ तो क्या होगा? देखिए मैंने यहाँ से ये ग्राउंड लिया, और ये ग्राउंड लेकर मैं कहाँ दे देता हूँ, मैं इसे अभी डिस्कनेक्ट करता हूँ, और ये जो रजिस्टर है इसे मैं यहाँ पर पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देता हूँ, और ये एलईडी का जो पॉजिटिव है ये देखिए एनोड है, जो ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ टर्मिनल है वहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया है, और ये वाला वायर जो है मैं यहाँ से लगा देता हूँ यहाँ। तो देखिए ये ग्राउंड यहाँ से आया और इस स्विच के थ्रू यहाँ पर ग्राउंड जाएगा, तो इसको हम एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, जबकि देखिए सर्किट में वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी कनेक्शन किसका है, इसका कनेक्शन इसके साथ में है, ये कॉमन टर्मिनल है, और ये T1 है और ये T2 है, इन दोनों का कनेक्शन है अभी। तो जैसे ही मैं इसे उधर करता हूँ तो देखिए ये LED यहाँ पर ऑन हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये एलईडी को ऑन किया है स्विच की हेल्प से। ये बहुत बेसिक है, लेकिन हम क्या समझना चाह रहे हैं कि जब हम ऑर्डिनो को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तब जो है ग्राउंड भी जाएगा और हाई सिग्नल भी जाएगा, लो सिग्नल भी जाएगा। ठीक है, अब ये तो स्लाइडर टाइप स्विच है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे तो पहले इसी कंडीशन को ही एक बार यहाँ से चेंज करते हैं। तो देखिए मैं जो है अभी इसी इसको यही रहने देता हूँ, और स्टॉप करके मैं एक बार फिर से स्विच एलईडी और ये सब चीजें ले लेता हूँ, और ऊपर मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया, एक एलईडी मैंने यहाँ से ले ली, और अभी मैं जो है इधर कर देता हूँ कि जो है थोड़ा सा हमें समझने में आसान हो, और एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम। देखिए मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, अब मैं इसे यहाँ रखते हैं यहाँ पर। तो देखिए अभी ये कनेक्टेड है किससे, स्विच के इस टर्मिनल के साथ में कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड, और यहाँ से जो है वो हाई सिग्नल वहाँ पे जाएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मैंने यहाँ से इसका ग्राउंड लिया है, एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये ग्राउंड लेकर मैं यहाँ पर कहाँ कनेक्ट कर दूंगा, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो यहाँ से हम दे देते हैं इसको 5, हम 9 वोल्ट नहीं देना चाहते थे, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्डिनो पे हम जब काम करेंगे तो हम वहाँ पर सिर्फ 5 वोल्ट और ग्राउंड के साथ ही काम करेंगे, इसीलिए मैंने इसे 9 वोल्ट बैटरी के साथ में नहीं कनेक्ट किया, हाई सिग्नल जो है हम यहीं से दे रहे हैं। तो देखिए अभी ये जो एलईडी ऑन होगी वो हाई सिग्नल की हेल्प से ऑन होगी, अभी ये दोनों कनेक्टेड है तो ये एलईडी ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये हाई सिग्नल यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया, फिर रेजिस्टेंस से होता हुआ पॉजिटिव पे गया, और ग्राउंड यहाँ से मिल रहा है, तो
और मैं सिमुलेशन को स्टार्ट करता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए ये एलईडी ऑन हो गई है और ये यहाँ से बंद हो गई है, तो जब हाई सिग्नल जा रहा है तो एलईडी ऑन हो रही है और ये यहाँ से बंद हो रही है, तो यहाँ पर हाई से ऑन हो रही है और यहाँ पर एलईडी जो है वो लो सिग्नल से ऑन हो रही है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखे। अब हम जो है ये जो स्विच है इसको भी एक बार यहाँ से यूज कर लेते हैं। तो देखिए ये जो स्विच आता है 4 पिन का, इसे 4 पिन टैक्टाइल स्विच कहते हैं, मैकेनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये दोनों टर्मिनल जो है आपस में कनेक्ट होते हैं, दोनों टर्मिनल है आपस में कनेक्ट होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो देखिए हम यहाँ से एक जो है ये ले लेते हैं, हम ले लेते हैं रजिस्टर, तो मैंने अभी जो है रजिस्टर को मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसे रोटेट कर लिया और इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ और ये स्विच को मैं यहाँ रख, और ये जो एलईडी का ग्राउंड है वो तो मैं जो है ब्लैक करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर आकर जो है मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके ग्राउंड को तो मैं कॉमन कर देता हूँ, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसा मूव कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट, ताकि वो आपकी सर डिजाइनिंग थोड़ी सी सही दिखे। तो एलईडी के एक एंड पर हमने ग्राउंड दे दिया है, दूसरे एंड पे रजिस्टर लगाया है, और यहाँ पर हम दे देते हैं 9.5 देते हैं, ठीक है। तो 9 हमको नहीं देने तो यहाँ से ले लेते हैं, देखिए मैं 5 अभी यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा इधर आकर हाँ क्लिक करके मैं, तो ये जो लास्ट वाला टर्मिनल है ये 5, यहाँ पे क्लिक किया उसको हम कर देते हैं रेड, और एक बार हम इसे रन करते हैं। तो मैंने यहाँ से रन किया, अब देखोगे कि मैंने कहा था आपको मैं से बाहर देखोगे कि मैंने कहा था ये दोनों अलग अलग होते हैं और ये आपस में, तो यहाँ पर अभी ये एलईडी ऑन नहीं है क्योंकि ये कनेक्ट कब होंगे जब आप यहाँ पर ये बटन प्रेस करोगे। तो देखिए आप यहाँ पर जैसे ही आपने ये बटन प्रेस किया है तो ये यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो अब हमको यहाँ से क्या हो रहा है, क्योंकि आगे जाकर आपको ऐसे स्विच भी इंटरफेस करने होंगे, ऐसे स्विच भी इंटरफेस करने होंगे, किसी भी तरह के स्विच को इंटरफेस करना पड़ेगा। तो इसे हम क्योंकि बहुत बार जब हम पासवर्ड वाले कुछ बनाते हैं या तो कीपैड वाला, तो तब हमको ऐसे स्विचेस मिलते हैं। तो मैंने यहाँ से ये देखिए अब यहाँ से क्या हो रहा है, इसके कलर को आप थोड़ा सा रेड कर दीजिए, तो ये मैंने यहाँ पर रेड कर दिया है, तो ये यहाँ से हाई सिग्नल कहाँ पे जा रहा है, इस एलईडी पे जा रहा है, तो सिग्नल भी हम यहाँ से दे सकते थे, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ इसलिए समझा यहाँ पर कि मान लीजिए अगर मैं क्या कर देता हूँ, मैं स्टॉप करता हूँ और यहाँ से ऑर्डिनो ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ से ऑर्डिनो लेकर यहाँ पे रख दिया है, और रखने के बाद में अगर मैं यहाँ से देखिए यहाँ से क्या सिग्नल पास हो रहा है, हाई सिग्नल जो स्विच पे जा रहा है, अगर मैं यहाँ से ठीक है अगर मैं यहाँ से जो है मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ या येलो कर देता हूँ, और ये वाले पिन को अगर मैं कहाँ रख देता हूँ, मैं यहाँ ले जाकर पिन नंबर 2 पे रख देता हूँ, मैंने यहाँ पे 2 पे रख दिया है इसे, और 2 पे रखने के बाद में अब आप देखिए यहाँ पर ये कोड कुछ ऐसा बनाना होगा कि जब भी मैं ये स्विच प्रेस करता हूँ तो यहाँ से जो हाई सिग्नल जा रहा है ये हाई सिग्नल ऑर्डिनो रीड कर सके, और रीड करने के बाद में ऑर्डिनो उसकी खुद की पिन से कोई और टास्क करे, एलईडी ऑन करे, बजर ऑन करे या रिले ऑन करे। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बजर रख देता हूँ, लेट्स मैंने यहाँ पे ये जो है एक बजर रख दिया, यहाँ पर बजर का एक एंड में कर देता हूँ यहाँ से ग्राउंड, ये पॉजिटिव है तो इसको नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है हम यहाँ से कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम ब्लैक, ताकि हमें याद रहे कि हमें कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, ये देखिए नेगेटिव। फिर एक एंड को हम दे देते हैं यहाँ पर, एक एंड को हम दे देते हैं यहाँ पर पिन नंबर 9 पर, और इसको कर देते हैं हम यहाँ पर रेड, ठीक है। ऐसा टास्क होना चाहिए कि जब यहाँ से हाई सिग्नल जाए तो ये एलईडी ऑन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जो है एक बार रन करने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम पर हमने क्या किया था कि हमने स्विच के थ्रू लो सिग्नल इंटरफेस कराया था, मतलब ये वाले स्विच
ये वाले कनेक्शन हमने वहां पर किए थे। तो देखिए मैं कोड पर जाता हूँ एक बार, और ये ब्लॉक्स में जाकर यहाँ पर टैक्स वाली को क्लिक करता हूँ और इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो ये बेसिक कोड यहाँ पर हमेशा रहेगा, आप चाहे तो इसे हटा सकते हैं। ठीक है, मैं इसे जो है अभी यहाँ से ये देखिए हटा देता हूँ। और अभी आप यहाँ पे देखिए कि जो है 2 नंबर वाली जो पिन है उस पर ये स्विच का आउटपुट जा रहा है ना, और आर्डिनो पे इनपुट आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे इसको पिन मोड, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेमी कॉलन, और अब लिख देता हूँ 2 कॉमा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा है, और देखिए मैं यहाँ पर सीरियल डॉट बिगिन से टेस्टिंग के लिए लिख देता हूँ। सीरियल इंटरफेसिंग की जब कोडिंग हम करेंगे तब वहाँ पर सीखेंगे कि इसके और भी ज़्यादा क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। ये आप कर दीजिए यहाँ पर, उसके बाद में आप यहाँ पर इस पिन को एक बार रीड कर लीजिए। तो मैं एक यहाँ पर बाहर लेता हूँ वेरिएबल, एक ए नाम का वेरिएबल मैं यहाँ पे लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इक्वल टू डिजिटल री। जब भी 2 वर्ड आपस में जुड़े रहेंगे तो सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। तो 2 को मैंने यहाँ पे रीड किया है, और इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट कर देता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट ln। ठीक है, सेमीकोलन, यहाँ पे मैं ए वेरिएबल दे देता हूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ लिख देता हूँ डिले। तो डिले अभी हम यहाँ इसलिए दे रहे हैं ताकि सीरियल मॉनिटर बहुत फास्ट नहीं चले। ठीक है, हमको कोड सिर्फ इतना सा लिखना है कि जो भी 2 पर आए तो पहले तो पता चल जाए कि क्या हो रहा है। मैंने अभी कुछ भी चेंज नहीं किया है और सिर्फ ऐसे ही लिख दिया है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि बजर का तो कोड हमने लिखा नहीं है, नो डाउट एलईडी ऑन हो गई सीरियल मॉनिटर चेक कर। तो देखिए सीरियल मॉनिटर पर आपको इनिशियली क्या मिल रहा है, 0 0 मिल रहा है। तो यहाँ से तो हाई सिग्नल जा रहा है, हाई सिग्नल जाने की वजह से ही ये देखिए यहाँ से ये एलईडी ऑन हुई है। अब ये हाई सिग्नल अगर यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे ये लो को प्रिंट हो रहा है, 0 0 को प्रिंट हो रहा है, आपको 1 प्रिंट हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो मैं इसे जो है एक बार बंद करता हूँ। बंद करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई चेंजेस हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये इसको एकदम बेसिक रखा ताकि हम जो है देख पाए कि कोडिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं कि हमें हमारा आउटपुट में यहाँ पर हमें चेंजेस मिले। तो देखिए कि अब आप यहाँ पर हम इनपुट जो है पुल डाउन भी नहीं कर सकते, क्योंकि पुल डाउन इसके अंदर होता नहीं है, पुल डाउन इसमें होता नहीं है। ठीक जैसे हमने जब लो सिग्नल रीड करवाया था तब वहां पर हमने क्या कर दिया था, पुल अप करा था। मैं इसको वापस से यहाँ पे बताता हूँ आपको, जब हमने तब लो सिग्नल रीड कराया था तो वहां पर हमने क्या कर दिया था, पुल अप कर दिया था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कोड लिख दिया गया है और यहाँ पे 0 0 ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जबकि देखिए मैं से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जबकि यहाँ पे हाई सिग्नल आ रहा है। ठीक है, और 0 0 0 हमेशा आ रहा है। ठीक है, देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, तब भी 0 आएगा। अभी आपको लगे कि यहाँ स्टैटिक है या स्टेशनरी है, देखिए 0 आ रहा है। मैं अभी क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, जब भी आपको हाई सिग्नल रीड करना होता है स्विच के थ्रू, तब आपको यहाँ पर एक पुल डाउन रजिस्टर लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि इंटरनली इसमें कोई पुल डाउन रजिस्टर नहीं होता है। मैं यहाँ से एक पुल डाउन रजिस्टर ले लेता हूँ। अभी इन शॉर्ट में आप ये भी याद रख सकते हैं कि जब भी आपको अगर हाई सिग्नल रीड करना होता है तो वहाँ पर हमें एक जो है रिक्वेस्ट पिन को मैं यहाँ से जो है यहाँ पे कर देता हूँ कनेक्ट, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। बात ये की है क्योंकि मैं यहाँ पर जो है वो इस स्विच को कनेक्ट करने वाला हूँ, ताकि यहाँ पे जो है देखिए मैंने ये पुल या मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ आपको समझने के लिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि देखिए मैं यहाँ एक रजिस्टर कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने ये एक रजिस्टर लिया और ये रजिस्टर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10K, और उसके बाद मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो जो है मैं सिग्नल लेना है तो मैं यहाँ से इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर,
ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। ये यहाँ से पहले तो यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ कनेक्ट करने के बाद मैं इसे जो ये वाले एंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ ऑलरेडी ग्राउंड है, तो हम इसको यहीं पर कनेक्ट कर देंगे। जो है यहाँ से ये चीज हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे देखें कि ये 10K हो गया है, और इसको हमने पूरे डाउन कर दिया है। ये जो इनपुट आ रहा था 2 पर, उसको हम अब रन करके देखें। और अभी देखिए, अभी भी यहाँ पर आपको 0 मिल रहा है। LED ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन आपको यहाँ पर हाई सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो है यहाँ पर है ना एक मिस्टेक कर दी थी। वो मिस्टेक यहाँ पर ये थी कि हमने इसके ग्राउंड को कॉमन नहीं किया था। मैं एक बार यहाँ से ये जो ग्राउंड है इसको कॉमन कर देता हूँ, ऑफ करता हूँ, यहाँ से इसके ग्राउंड कॉमन कर देता हूँ। बहुत बार जब आप करते हैं तो ये ऐसी मिस्टेक सबसे हो जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं ये इसकी ग्राउंड को कॉमन कर देता हूँ, और उसके बाद में सिमुलेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पर जो है आपको 0 मिल रहा है, और मैं अभी इसको यहाँ पे दबाता हूँ, तो देखिए यहाँ से आपको 1 मिलने लग गया है। तो यहाँ पर जब हमने ये पुल डाउन रजिस्टर लगाया, उसके बाद यहाँ पर ये हो रहा था। और हम यहाँ पर ग्राउंड कॉमन करना भूल गए थे, क्योंकि ये ऑर्डिनो को सप्लाई तो मिल जाती है सिमुलेशन से, लेकिन इस वाली सप्लाई के साथ में इसको कॉमन नहीं किया था हमने। हम क्या करते हैं कि एक बार जो है ये रजिस्टर को यहाँ से हटा के देखते हैं। देखिए, मैं सिमुलेशन को ऑफ करता हूँ, तो सिर्फ ये वाला वायर डिलीट कर देता हूँ, ताकि पता चले कि अगर अपने को हाई सिग्नल लिखना है तो क्या करना जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ से नॉर्मल कनेक्शन वैसे ही है, बस ये रजिस्टर जो है मैं ये यहाँ से भी देखिए इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। सर्किट पूरा वैसा ही है, और एक बार इसको रन करके हम यहाँ से देखते हैं। तो देखिए, अभी आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, विच इज करेक्ट। और यहाँ पे देखिए, अब 0 मिल रहे हैं। ये आप जब सिमुलेशन पे कर रहे हैं तो ये चल जाएगा, लेकिन जब आप इसको एक्चुअल हार्डवेयर पे करेंगे तब ये नहीं चलेगा, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं इसे यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है कंट्रोल जेड करता हूँ, बाहर क्लिक कर, ये देखिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो इनपुट वायर था पिन नंबर 2 का, उसके साथ में एक 10K का रजिस्टर लगाया था, और उससे जो है हमने क्या किया था, ग्राउंड के साथ में कनेक्ट किया था। देखिए, अभी इसको रन करता हूँ, तब भी चल गया। देखिए, अभी 1 आ रहा है, और जल्दी से इसको रन, आपको 0-0 मिल जाएगा। तो आपको जब भी हाई सिग्नल स्विच से ऑर्डिनो को देना है, तब हमको यहाँ पर एक 10K का रजिस्टर लगाना होगा। उस पिन को हमें इनिशियली पुल डाउन करनी होगी। अगर वो कभी कभी चल भी जाएगा तो बीच में मिस फंक्शन जरूर करेगा, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पे ये कोड तो लिख दिया है कि अगर स्विच से हमें हाई सिग्नल मिले तो ए में आ जाए, तो 0 मिले तब भी ए में आ जाए, उससे हम प्रिंट कर दे। तो हम इस कोड को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, और हमने 9 नंबर पे, क्योंकि यहाँ बजर कनेक्ट किया है, मैं यहाँ पर जो है एक पिन मोड और लेता हूँ, पिन और लेता हूँ, और उसे मैं यहाँ पर एंड कर देता हूँ, पिन नंबर 9। और आप जो है यहाँ पर हमें एक कंडीशन लगा देते हैं, और यहाँ लिखते हैं इक्वस टू इनिशियली क्या आ रहा है यहाँ पर, 0। 1 आता है तो क्या होना चाहिए, हम आई की जगह 1 भी लिख सकते हैं। पिछली बार हमने जब लो सिग्नल रीड किया था, तब वहां पर हमने लो लिखा था, और आप यहाँ पे चाहे तो हाई भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ राइट, क्योंकि हम बजर को ऑन करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9, ठीक है, क्योंकि हमारा बजर जो है वो बजर की जो पॉजिटिव पिन है वो 9 से कनेक्टेड है, ठीक है। और एल्स में हम क्या करते हैं, इसी बजर को हम ऑफ कर और एल्स में इस बजर को मैं यहाँ पर, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मैंने यहाँ पर लिखा है,
राइट, 9, लो। ताकि जब भी स्विच से लो सिग्नल मिले तो बजर आपका ऑफ हो जाए। तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले इसे सिमुलेट करके देखते हैं। तो देखिए मैंने इसे स्टार्ट किया है यहाँ पर, और मैं इसे यहाँ पर करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पे बजर का साउंड आ रहा है, और इवन ये बजर जो है की आवाज भी आप सुन सकते हो अगर आपने हेडफोन लगा रखा है। ये वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है, मैं यहाँ पर एक बार कोशिश करता हूँ कि अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा है। हालांकि अभी मेरे इसमें वॉल्यूम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसको माइक्रोफोन कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो देखिए हमने ये दोनों चीजें यहाँ पे की है। अब ये देखिए अभी बजर ऑफ और ये बजर ऑन, ये बजर ऑफ बजर ऑन, ठीक है। और यहाँ 10 में भी चेंज हो रहा था। अब हम यहाँ एक मैसेज भी टाइप कर देते हैं कि हाँ बजर ऑन हो रहा है और बजर ऑफ हो रहा है। एलन सेमी कॉलन और यहाँ हम डबल कोटेशन में बजर ऑन पीयूएस बजर, और इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे हम लिख देते हैं बजर ऑफ। तो बजर ऑफ, एक बार इसे हम जो है वो रन कर देते हैं। देखिए अगर अभी ऑन की कंडीशन में, तो देखिए बजर बजर ऑन ऑन प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और 1 1 आ रहा है एज पर द कोडिंग। अगर 1 आता है तो बजर ऑन और बजर ऑन हो जाना चाहिए, मतलब 9 पर आ जाना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर ये मैंने इसे 0 किया तो बजर ऑफ 9 पर जो है वो लो चले जाना चाहिए। तो ये सेकेंड लेक्चर था जिसमें हमने स्विच इंटरफेस के बारे में देखा कि कैसे जो है हम स्विच से जो है वो हाई सिग्नल ऑर्डिनो को दे सकते हैं। अगर आप सिमुलेशन पे करेंगे तो आपको पुल डाउन रजिस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है 10K का, लेकिन अगर आप एक्चुअल में करेंगे और आपको हाई सिग्नल देना है तब आपको जो है एक पुल डाउन रजिस्टर लगाना होगा। वहाँ पर पुल डाउन रजिस्टर से जो है वो इनिशियली वहाँ पर लो मेंटेन होता है, ठीक है। और आगे जाकर ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है जहां हमें हाई या लो सिग्नल को रीड करने की जरूरत पड़ती है। सेंसर्स बहुत बार अपोजिट कंडीशंस में मिलते हैं, कभी वो हाई के होते हैं कभी लो के होते हैं। तो दोनों ही टाइप की कोडिंग और सर्किट आपको जो है वो आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आगे का।